अब उस दिन जो है ना हमने ये प्रोफाइल का पेज बनाया था और इसके अंदर हमने पोस्ट जो है सिर्फ उस बंदे की शो करवाई थी जिसके जिसके प्रोफाइल पे हम आए हैं। आज हम इसके ऐड फ्रेंड के फीचर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा वर्क करेंगे, काम करेंगे और देखते हैं कि ये किस तरह से प्रोग्रेस करता है। ऐड फ्रेंड के लिए जो है ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरी खुद की आईडी है तो मैं अपने आप को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। उसके लिए हमने कल डिसाइड किया था कि हम एक और प्रोफाइल का पेज बनाएंगे, तो वो जो एक और प्रोफाइल का पेज होगा उसमें ये ऐड फ्रेंड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। और अगर वो इस पेज पे यानी कि यहाँ पे इस पेज पे आएगा तो वो आईडी देखेगा, अगर तो आईडी मैच कर रही है तो मुझे वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट करवा देगा दूसरे पेज के ऊपर जो मेरी अपनी प्रोफाइल का पेज होगा। तो आज पहले तो हम अपनी प्रोफाइल का एक बार पेज बना लें, फिर हम ऐड फ्रेंड की लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक अदर प्रोफाइल बनाया था और यहाँ पे हम न्यू फाइल माई प्रोफाइल डॉट ब्लेड डॉट PHP और अदर प्रोफाइल का सारा कोड उठा के मैंने माय प्रोफाइल में डाल देना है। उसके बाद यहां से हम बाकी चीजें फिलहाल के लिए एक बार खत्म करते हैं। अब हमने करना ये है कि पहले हम आईडी पास कर रहे थे किसी और यूजर की देखने के लिए, और हम सेम यूआरएल को भी यूज कर सकते हैं पर आईडी ना पास करें और इसको हम फंक्शन का नाम दे दें माय प्रोफाइल। और यहाँ पे माय प्रोफाइल का जो फंक्शन हम एक बना लें, ये वाला जो फंक्शन हम इसी को एज इट इज कॉपी करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं माय प्रोफाइल। और ये जो आईडी है इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ पे आईडी का वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं और इसको इक्वल टू कर लेते हैं ऑथ यूज़र आईडी, क्योंकि यहाँ पे तो हमें उस बंदे की आईडी चाहिए जो यूज़र लॉग्ड इन है जी। और बाकी यहाँ पे हम फाइल का नाम भी चेंज कर लेते हैं माई प्रोफाइल। और इसके अलावा आई थिंक सो हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ से वन को खत्म करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। तो अब ये मेरी प्रोफाइल का एक बार चल गया है पेज। अब अगला काम मैंने ये करना है कि मैं जाता हूँ माय प्रोफाइल के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जो ऐड फ्रेंड वाला चक्कर है इसको हम करते हैं खत्म। और यहाँ पर इसको खत्म कर देते हैं। वैसे फेसबुक ने इसकी जगह क्या लगाया हुआ है वो देख लेते हैं। इसने लगाया हुआ है ऐड स्टोरी का ऑप्शन, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन। तो स्टोरी का तो हमारा सीन है नहीं, तो हम फिलहाल एडिट प्रोफाइल का सीन बना लेते हैं यहाँ पे। इसको हम बाद में देखेंगे इसका क्या करेंगे। ओके सो अभी अगला हम काम जो है यहाँ पर, अब माय प्रोफाइल पे हैं हम। जब मेरी प्रोफाइल के पे होंगे तो यहाँ पे अब ये एडिट प्रोफाइल आ रहा है और इसके अलावा अब हम देखते हैं। हाँ अब ना हमने करना ये है कि कोई भी अगर मैं यहाँ पे जाके वन लिखूं जो कि मेरी खुद की ही प्रोफाइल है
तो मेरी खुद की प्रोफाइल ये ओपन नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये मुझे रिडायरेक्ट करवा दे। और जब ये मुझे रिडायरेक्ट करवाएगा तो ये रिडायरेक्ट करवा के मुझे मेरी खुद की प्रोफाइल पे ले जाएगा। तो रिडायरेक्ट करवाने के लिए हम ये प्रोफाइल कंट्रोलर में आते हैं और अदर प्रोफाइल के अंदर एक चेक लगाते हैं हम। वो चेक ये होगा कि इफ ऑथ यूजर आईडी इज नॉट इक्वल टू ये जो आईडी हमने पास करवाई है उसके, तो मेरे ख्याल में कि ये चीज है, एक मैं पंगा ले रहा हूं, देखने चलता है कि नहीं। मैं फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ माई प्रोफाइल का, एल्स ये रिटर्न करवा दे हमें ये वाला पार्ट जो एज इट इज चल रहा है। तो देखते हैं कि ये हमें इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है या नहीं। तो मैं इसको यहाँ से अगर ऐसे करूँ तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन, ठीक है, हम उसको इस तरह से कॉल इसका मतलब नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं तो एक मिनट है ना, मैं एक मैसेज का जवाब दे दूं। जी फैसल भाई, ये ना अब आपको हमें टाइम देना पड़ेगा, ये यूरोप से जो पेमेंट आ रही है ना उसकी वजह से हो रहा है। पाकिस्तान से पेमेंट जो जा रही है उसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा, यूरोप की तरफ से जा रही है उसमें उनकी कोई पॉलिसीज अलग हैं, तो वो अब हमें देखना पड़ेगा। इसमें आपको अब हम टाइम देना पड़ेगा, फिर हम आपको मैं कोई फाइनल बता सकूंगा इसका। अच्छा जी, तो फंक्शन तो हम ऐसे कॉल करवा नहीं सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि रिटर्न करवा दें इसको, और रिटर्न करवाएंगे हम माय प्रोफाइल का पेज, ना कि अदर प्रोफाइल का पेज। तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं, ये हमारा एक जुगाड़ है। ओके, अभी मैंने यहाँ पे वन लिखा था तो वन वाली प्रोफाइल नहीं से दिखाई बल्कि माय प्रोफाइल पे ले गया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे अगर टू लिखता हूँ, वैसे टू कोई यूजर है तो नहीं, लेकिन एक खाली प्रोफाइल हमें यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर मैं वन जो कि मेरी खुद की है मैं उस पर जाता हूँ, तो मुझे ये अपनी मेरी खुद की प्रोफाइल पे ले जाता है जहाँ पे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक न्यू यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। मैं इसको ये इनकॉग्निटो मोड पे चलाऊंगा। अच्छा जी, एक चीज हम करना भूल गए थे, कंट्रोलर के अंदर आके यहाँ पर होम कंट्रोलर और ये मिडलवेयर जो है और ऑथेंटिकेशन का, इसको प्रोफाइल कंट्रोलर में हमने इंक्लूड करवाना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि लॉगिन करो, हम इसको रजिस्टर को जाते हैं, जो रजिस्टर लिखते हैं, साइन अप का पेज आ गया। अब यहाँ पे मैं एक न्यू अकाउंट बनाता हूँ अली रजा के नाम से, इसकी ईमेल में कुछ भी लिख लेता हूँ, अली रजा @gmail या mail.com, यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी लिख लेते हैं। अब ये बंदा रजिस्टर हो गया है। अब यहाँ पे ये अली रजा की जो पोस्ट, ये आप सोचोगे पहले से इसकी पोस्ट कैसे आ रही है, तो कल हमने टेस्टिंग के लिए 2 आईडी दे दी थी, तो इसकी अली रजा की आईडी 2 है डेटाबेस में, तो वो इसके अगेंस्ट जो पोस्ट थी वो इसको शो हो गई है। अब ये अली रजा का यहाँ पे निजाम आ रहा है, ये अपनी प्रोफाइल पर आ चुका है। अब मैंने अली रजा को फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ 2, क्योंकि अली रजा की आईडी 2 डेटाबेस में गई है, तो मैं यहाँ पे 2 इसको मेंशन किया है। और यहाँ पे मैं अली रजा को ऐड फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर पूरा सिनेरियो तो हमें क्रिएट करते करते टाइम लगेगा, लेकिन डेटाबेस में हार्ड एंट्रीज के साथ आपको थोड़ी सी मैं उसका एक सिनेरियो दिखाऊंगा।
जो आपको अभी फिलहाल के लिए समझ आ जाएगा, और हम जब उसके नोटिफिकेशन वाला सिनेरियो क्रिएट करेंगे जो कि हो सकता है पॉसिबिलिटी कल की वीडियो में हम करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर उसका आइडिया हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे सोशल साइट को ओपन करते हैं। अब पोस्ट लाइक्स का हमने ऑप्शन है, मैंने कल आपको एक चीज़ कही थी कि बैठ के खुद सोचना कि फ्रेंड रिक्वेस्ट काम कैसे करेगी, लेकिन यकीनी तौर पे आपने नहीं सोचा होगा क्योंकि आप तो कोई ट्राई कर ही नहीं रहे वो हो। आज असल में बिजी थे, चीजें वगैरह ला रहे, कल फंक्शन है ना, परसों से इंशाल्लाह चीजें खुद करनी शुरू कर। तो ये जिस तरह हमने लाइक्स का निज़ाम बनाया था, ये कुछ कुछ वैसा ही निज़ाम होने वाला है, या जिस हमने रिप्लाई का निज़ाम बनाया था कमेंट्स के, कुछ कुछ वैसा होगा, मिलते जुलती चीज़ें हैं, लेकिन ये लॉजिक बहुत डीप है, तो इसको समझना, इसको सोचना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मैं न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ। न्यू टेबल क्रिएट करने से पहले हम जरा अपने जहन में सोचें कि फ्रेंड्स जब किसी को किसी का दोस्त बनाना है तो उसमें हमें क्या क्या करना पड़ सकता है इन फ्यूचर, हमें क्या 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 चीजें चाहिए हो सकती हैं। हो सकता है कि मुझे मेरी प्रोफाइल पे कोई आए तो मेरे दोस्त कौन कौन है वो देख सकता हो अगर मैंने शो किए हो, या मैं किसी के प्रोफाइल पे जाऊं तो मैं देख सकूं कि कौन इसका दोस्त है, या फिर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊं तो मैं अपने दोस्त देख सकता हूं, वो अपनी प्रोफाइल पे जाए तो वो अपने दोस्त देख सकता है। ये जो सारा इसमें एक सिनेरियो है, एक लॉजिक है ना, ये एक बड़ी डीप लॉजिक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम फेसबुक पे जाते हैं, ये फेसबुक पे कहना बड़ा आसान है कि हम फ्रेंड्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें हमारे दोस्त नजर आना शुरू हो जाते हैं, जबकि मैं किसी और की टाइमलाइन पे, किसी और की प्रोफाइल पे जाऊंगा तो मुझे उसके फ्रेंड नजर आ रहे होंगे, या मैं अपने ही किसी फ्रेंड की प्रोफाइल में इसको ओपन कर लेता हूँ, इसके फ्रेंड्स में जाता हूँ तो सिर्फ मुझे म्यूचुअल फ्रेंड, क्योंकि इसने बाकी फ्रेंड्स हाइड किए हुए, सिर्फ म्यूचुअल फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही डीप लॉजिक्स होती हैं, नॉट अ सिंपल लॉजिक, और हम देखेंगे कि एक्सट्रीम कहाँ तक हम इसकी लॉजिक्स को लेके जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे बनाएंगे फ्रेंड्स, टेबल का नाम हमने रख लिया फ्रेंड्स, एक हमारी आईडी आ गई जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी। अच्छा जी, अब आगे यहाँ पर जो समझ लो कि यूजर एक बंदा एक अपने खुद का तो दोस्त हो नहीं सकता, अब आप कह दो कि नहीं मैं तो खुद का ही दोस्त हूँ तो वो तो फिर आप महाबंदे हो गए, लेकिन बंदा हमेशा जब दोस्त होता है तो साथ में कोई और बंदा होता है। अब हाँ आप कहोगे नहीं कोई और बंदा नहीं, बंदी चाहिए मुझे, मैं दोस्त उसका बनूंगा, तो वो फिर आप फिर जी महाबंदे हो। तो खैर अभी यहाँ पे क्या है कि हमेशा मिनिमम मिनिमम कम से कम आपको दो बंदे चाहिए फ्रेंड्स में लाने के लिए, तो दो बंदे दैट्स मीन हम यहाँ पर एक यूजर वन, या फिर इसको ऐसे वन ही रखते हैं, इसको ऐसे वन, यूजर वन, और इधर रखते हैं यूजर टू। दो यूजर हमारे पास होंगे एटलीस्ट जो आपस में दोस्त होंगे। जी वन यूजर कैन कंटेन मोर देन वन फ्रेंड, मतलब कि एक यूजर जो है वो एक से जायद दोस्त भी रख सकता है, और एक से जायद दोस्त एक यूजर एक फ्रेंड रख सकता है। ये एक मैनी टू मैनी का रिलेशन है जो आज से कई दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब यूजर वन और यूजर टू ये आपस में फ्रेंड्स होंगे। अगला हम इसमें फिलहाल के लिए जो है वो रख लेते हैं स्टेटस। स्टेटस क्या है? स्टेटस हम इसलिए रख रहे हैं कि मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी तो बाय डिफॉल्ट उसका जो स्टेटस होगा वो जीरो होगा। अभी रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट जब तक नहीं की, मैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं आऊंगा, ना ही आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में आओगे। जब आपने जी एक्सेप्ट कर ली तो आप भी मेरे फ्रेंड हो गए, मैं भी आपका फ्रेंड होऊंगा, तो ऐसे हमारी जो एक ये फ्रेंडशिप है वो चल पड़ेगी। तो यहाँ पे यूजर वन आ गया, यूजर टू आ गया और स्टेटस आ गया, और स्टेटस को हमने सबको इंटीजर में रखा है, किसी को वार चार कुछ और देने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि सारे हमें वन टू थ्री फोर इसी में चाहिए, और स्टेटस हमें जीरो और वन में चाहिए,
डिफॉल्ट वैल्यू इसको हम एज डिफाइंड यहाँ पे कह देते हैं जीरो, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं फिलहाल के लिए सेव। अब ये हमने एक लॉजिक बना ली, ये लॉजिक बाद में चेंज हो सकती है जब हम इसको डेवलपमेंट पर्पस में लेके आएंगे, तो ये लॉजिक यकीनी तौर पर यहाँ पे चेंज होगी, लेकिन फिलहाल अपने जहन में हम इसी लॉजिक पर लेके चल रहे हैं। अब आते हैं हम अपने कोड पे, और यहाँ पर अब हमने जो अदर प्रोफाइल का पेज है जहाँ पे हमने एड फ्रेंड का बटन बनाया था, इसके ऊपर अब हमने करना है ऑन क्लिक का वार। ऑन क्लिक फंक्शन बनाएंगे और ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे सेंड रिक्वेस्ट, ये हमने फंक्शन रख दिया, फंक्शन का नाम हमने सेंड रिक्वेस्ट रख दिया है। और अब आगे हमने करना क्या है, मुझे कुछ कह रहे हो यहाँ पे सेमी कोलन नहीं आता, सेंड मैं समझा नहीं, सेंड क्या आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सेमी कोलन नहीं आता इसके, नहीं यहाँ पे सेमी कोलन की हमें जरूरत नहीं होती, वो एक और चीज है। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहे हैं सेंड रिक्वेस्ट, अब यहाँ के अंदर हमने पैरामीटर भी पास करना है उस यूजर की आईडी जिसको रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। मेरी खुद की आईडी तो मुझे पता है जो लॉगिन है और ऑथ की, उसकी आईडी हम कहीं भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उस यूजर की आईडी जिसको हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसकी आईडी हमें यहाँ से मिलेगी, इसके अपने कोड से मिलेगी। तो इसके अपने कोड से वो आईडी लेने के लिए हमने सिंपली यहाँ पर वो आईडी कॉल करनी। अब हम चलते हैं अपने उस फेज पर, यहाँ पे आईडी कॉल करने से पहले उस आईडी को लाना कहाँ से है, ये सब कुछ ये हमने पहले करना था लेकिन हमने उसको भी छोड़ा था। जो यहाँ पर हम इधर मैं लिखता हूँ टू, फॉर एग्जांपल ये अदर प्रोफाइल, यहाँ पर तो मैं लॉग इन इससे हूँ, इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अदर प्रोफाइल से मैं आ रहा हूँ। अब ये जो कवर फोटो प्रोफाइल पिक्चर, ये जो दो चीजें आ रही हैं, यकीनी तौर पे डेटाबेस से आनी चाहिए, अभी तो हमने ये हार्ड एंट्री दे रखी है यहाँ पर। तो हम चलते हैं और अपने प्रोफाइल कंट्रोलर पे आते हैं और यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं और उसका नाम देते हैं, बल्कि उसका नाम क्या देना है हमने, नहीं बल्कि उसका नाम ही देना पड़ेगा, यूजर डाटा। यूजर डाटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम डीबी केवल यूजर्स, वेयर जहां पर आईडी इक्वल टू होगी, जो हमारे पास आईडी पैरामीटर में आ रही होगी उस आईडी के इक्वल होनी चाहिए। यूजर डाटा को हम यहाँ पे पास करवा लेंगे, एक मिनट में कॉल सुन लूं। अस्सलाम वालेकुम, नहीं हो रहे होंगे, फिर आपने जो रजिस्टर्ड किए हैं, मीन्स आप कहाँ पे पेयर करना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात। लॉगिन करके नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि अभी लिस्टिंग आप करेंगे, कुछ लिस्ट डालेंगे, अब यूजर जो रजिस्टर किया वो तो उसको एज इट इज तो नहीं हम दिखाएंगे, वो तो कोई लिस्टिंग डालेगा वो नजर आएगी सामने। नहीं, अपेयर वगैरह तो वो तो भाई जाहिर बात है टाइम लगता है। अभी तो हमने ये डायरेक्टली पेमेंट वाला काम आपको इसलिए बताया था कि ये बहुत लंबा सिनेरियो होता है कि वो चीजें अपेयर भी करवाना, ये सब कुछ करना एक लंबी चीज थी, लेकिन आपने कहा था कि नहीं मैंने पेमेंट करनी है आज की आज, आप मुझे बस किस तरह स्ट्राइप एक्टिवेट कर दें।
हाँ जी वो अच्छा, वो प्रोफाइल का नाम वगैरह तो आ जाएगा, वो बड़ी डील नहीं है। अभी हमारा मेन फोकस उस ट्राइब का था, वो तो हमने कर दिया। वो प्रोफाइल का नेम आ जाएगा, वो उसकी इश्यू नहीं है, वो तो आ ही जाएगा, वो तो हम कर देंगे भाई। टाइम लगता है इन चीजों पे, देखे ना, ये अब आप छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, ये हमारे लिए काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं। और मेरी आती भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये फैसल भाई कह रहे हैं स्ट्राइप वाला एक्टिवेट कर दो, बाकी चीज़ों के लिए बेशक 3-4 माह ले लो हमसे। क्योंकि मैंने उनको उस दिन काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ों बताया कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतनी फास्टली हम कोई ड्रैग एंड ड्रॉप कर नहीं रहे कोडिंग के साथ है, तो अगर आप हमें थोड़ा टाइम देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे ना। तीन चार वीक्स में कौन सी डेवलपमेंट होती है भाई? ये अभी आती भाई से आप बात करें ना, उन्होंने मुझसे बात की है, तो मैंने उनको ये सारी एक्सप्लेनेशन दी है कि ये चीजें अभी पेंडिंग हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो तो लिस्टिंग होती है भाई, आम यूजर को क्यों कोई देखेगा, वो तो उसकी लिस्टिंग को देखेगा जो उसने रेस्टोरेंट ऐड किया होगा। आपने लिस्टिंग डाली है कोई? चलिए मैं अकाउंट क्रिएट वगैरह करके देख लेता हूँ। मैं वैसे भी ये उस दिन जी तो आपको ऊपर एड लिस्टिंग, वो तो मैं आपकी बात समझ गया हूँ। वो अभी एड लिस्टिंग की बात अगर मैं कह रहा था, तो ऊपर एड लिस्टिंग का जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास पेमेंट करने के बाद, वो ऊपर बटन आ रहा है? नहीं, नहीं, उसके आगे प्लान्स के आगे एड लिस्टिंग। आपका वो बटन नहीं शो हो, आपका बटन नहीं शो हो रहा, थोड़ा सा कर्सर से जूम आउट करेंगे आप एक बार अपने स्क्रीन को? नहीं, आपके पास ये बटन आना चाहिए एड लिस्टिंग का, थोड़ी सी जूम आउट करें ना स्क्रीन 75 पर। तो इसको क्लिक करें, आपके पास क्या आ रहा है? फॉर्म आ गया लिस्टिंग का। यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे तो वो आपकी जो जिससे आपने लॉगिन किया होगा उस आईडी से ये चला जाएगा, लिस्टिंग चली जाएगी आगे। हाँ जी बिल्कुल, ये आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगी और आपके मतलब वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगी, अगर लिस्टिंग पे जाके आप देखना चाहें तो। जी ठीक, ओके, अलविदा। अच्छा, अब हमने हम कहाँ पे थे? यहाँ पर हमने यूजर डाटा ये वेरिएबल बनाया और इसको यहाँ पर पास करवा दिया। अब ये यूजर डाटा बनाने का मकसद ये था कि अदर यूजर का जो प्रोफाइल डाटा होगा, मतलब जो यूजर्स के टेबल से आ रहा है, लाइक उसकी प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे अभी नाम भी शो करवाते हैं उसका, ये सब कुछ जो चीजें आ रही हैं, ये सब कुछ उसके डेटाबेस से हम पकड़ सकें इस वेरिएबल की मदद से। ठीक है, जी
तो अब यहाँ पे हम अदर प्रोफाइल की आते हैं और यहाँ पे आकर हम लगा देते हैं लूप। जहां पे ये स्टार्ट पेज की डिव स्टार्ट हो रही है हम बिल्कुल इधर ही आके लगाते हैं फॉर ईच एस यूजर डेटास, और जहां पे डिव बंद हो रही है वहां पे जाके हम इसको एंड फॉर ईच कर देते हैं। इसको एक बार हम यहाँ पे रिलोड मारते हैं। अब ये कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर डाटा, हम एक बार यहाँ पे देखते हैं किसने ऐसा क्यों कहा है। अदर प्रोफाइल में यूजर डाटा, ओ अच्छा सॉरी, मैंने क्योंकि एल्स पार्ट तो ये है तो इधर पास होना चाहिए ना। इसको अब रिलोड करते हैं तो अभी ये चल रहा है। अब हम जाते हैं अपने यूजर्स के टेबल में। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ना तो प्रोफाइल पिक्चर है और ना ही हमारे पास यहाँ पे कवर फोटो है। हम यहाँ पे एक वो बनाते हैं कॉलम नेम के बाद और इसको नाम देते हैं कवर फोटो, और इसको हम वारचार देते हैं और 255 की इसको वैल्यू देते हैं, सेव करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन हमें ऑथेंटिकेशन के साथ मिल जाता है, तो उसके लिए हम सिंपली ये इन फ्यूचर आपने चीज याद रखनी है कि जब भी कुछ इस टाइप के लाइव वायर वगैरह के रिलेटेड आपको कुछ भी सोल्यूशन चाहिए हो तो लाइव वायर लारावेल ऑथ प्रोफाइल पिक्चर इतना आपने लिखना है, और ये जेट स्ट्रीम की अपनी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे ये आपको सारा बता देगा कि प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आपने एक्टिवेट किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हम जाते हैं और ये कहता है कि जी कन्फिग के फोल्डर में जेट स्ट्रीम डॉट पी एच पी की फाइल पे जाओ। अब कन्फिग का फोल्डर होता है आपका यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पे आपकी वो कहता है जेट स्ट्रीम की फाइल पे आपने ठीक जाना है। है ओहो, मैंने ये क्या लिख दिया। तो यहाँ पे हम जेट स्ट्रीम की फाइल पे आ जाते हैं और यहाँ पे नीचे आकर अब ये जो प्रोफाइल ये फीचर्स है, ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा फीचर्स लिस्ट। यहाँ पे फीचर्स आ रहे हैं, टर्म्स एंड पॉलिसी, प्रोफाइल पिक्चर, एपीआई का फीचर, टीम, ये सारे फीचर्स आ रहे हैं। हमें चाहिए ये प्रोफाइल फोटोज वाला फीचर, हम इसको अनकमेंट कर देंगे। अभी ये कमेंट हुआ हुआ है तो अभी हमने इसको अनकमेंट कर दिया है। इसके बाद हमें ये कहता है कि आफ्टर एनेबलिंग फीचर यू शुड जो है लिंक आपका जो स्टोरेज होता है उसको लिंक करना होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ऊपर डिटेल पढ़ लेते हैं एक बार कि हम कुछ और मिस ना कर दें। व्हेन यूजिंग लाइव वायर स्टाइल यूजर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जिसमें यूजर ने व्हेन यूजिंग ईच ऑफ दीज एम्प्लॉय विल रिसीव द एंटायर ऑथेंटिकेशन यूजिंग अपडेट एडिशनल फील्ड्स टू द फॉर्म एडिशनल इनपुट एडेड टू द दैट इज पास्ट टू योर। ओके, हम फिलहाल इसको जो है यहाँ पे जाते हैं और इसको एक बार करते हैं। ये मेरे ख्याल बाय डिफॉल्ट हमने किया हुआ था। अच्छा, एक चीज और, पीएचपी नो नो टू माइग्रेशन, यहाँ पे एक चीज हमें और करनी पड़ेगी। हमें डेटाबेस में इसका क्योंकि एक कॉलम चाहिए। चलो कॉलम बनाने के लिए पहले मैं एक और ट्राई करता हूँ, एक और चीज की वो ये करता हूँ कि यहाँ पर जाते हैं हम अपने डैशबोर्ड पर और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और प्रोफाइल पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी एक प्रोफाइल फोटो सेलेक्ट करता हूँ लेकिन ये शायद अभी होगी नहीं। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं और ये कह रहा है कि मस्ट नॉट बी योर प्रोफाइल पिक्चर, इसको काफी हैवी लग रही है तो ये करके देखते हैं। ओके, प्रोफाइल पिक्चर हमारी चली गई है लेकिन यहाँ पे यूजर्स के टेबल में जाते हैं तो यूजर्स के टेबल में प्रोफाइल पिक्चर नहीं आई, हमारी आ गई है प्रोफाइल फोटो पाथ, ये आ गई है। अब सिनेरियो क्या है कि हमारी इमेज यहाँ पर लोड नहीं हो रही
इमेज नॉट लोड, लिंक। क्योंकि वो स्टोरेज जो है हमारी जो लिंक नहीं हुई सही तरह, और ये हर बार इसका यही रहता है ड्रामा। तो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर स्टोरेज में जाते हैं, प्रोफाइल फोटोज में, यहाँ पर हमारी प्रोफाइल पिक्चर आ गई है। तो इस खोते को क्या मसला है, यहाँ पर हम ये यहाँ पर, ओ अच्छा एक मिनट ठहरे, आपने ENV फाइल पे जाना है, ये जो लोकल होस्ट लिखा आ रहा है ना, इसको हमने लोकल होस्ट खत्म करके यहाँ पे कर देना 1217, इसका एड्रेस यहाँ से उठाते हैं, ये वाला एड्रेस हमें चाहिए। और इसको हम अब जाके रिलोड करें, अब प्रोफाइल पिक्चर लोड हो गई है यहाँ पे। जी तो ये बेस यूआरएल होता है, ये चेंज करना होता है हमने, जब हम लाइव डोमेन किसी सर्वर पे डालेंगे तो उसका डोमेन यहाँ पे लिख देंगे, तब ही ये प्रोफाइल पिक्चर लोड होगी, नहीं तो लोड नहीं होगी ये। तो अच्छा जी, अब अगला हमारा जो काम है, हमारे पास अब प्रोफाइल पिक्चर का भी एक कॉलम है और हमारे पास कवर फोटो का भी कॉलम है। कवर फोटो हमने फिलहाल कोई लगाई नहीं है, तो वो हम बाद में लगाते हैं। अभी हम चलते हैं अपने दोबारा से प्रोफाइल टू इस पर। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इधर अपनी प्रोफाइल पिक्चर शो करवाएंगे, मतलब उस यूजर की प्रोफाइल पिक्चर शो करवाएंगे जिससे ये अदर ये यूजर डाटा के वेरिएबल से जो आ रहा होगा डाटा। तो हमारे पास यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर चलो करके देखते हैं कुछ ना कुछ पंगा। ये जो अभी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है इसको हम उड़ाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम वो वेरिएबल कॉल करते हैं, और कॉलम का नाम जो है वो थोड़ा सा लंबा सा है तो वो देख लेते हैं, प्रोफाइल फोटो पाथ। और यहाँ पर हम इसको रिलोड करते हैं। ओके, अगर मैं इसको बैक स्लैश दूं, नहीं चला अभी। अच्छा पाथ कुछ भी नहीं आ रहा इसको, क्योंकि इसकी प्रोफाइल पिक्चर लगी ही नहीं हुई, ये भी एक मजे की बात है। तो हम चलते हैं दूसरे यूजर पे और इधर से वन की प्रोफाइल पे जाते हैं, और इसकी तो हमने लगा दी हुई है प्रोफाइल फोटोज। अच्छा जी, यहाँ पे हमने स्टोरेज लिखना है, चलो जी हमारी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे कुछ इस तरह से आना शुरू हो गई है। अब जी इसी तरह हमने कवर फोटो भी कॉल कर लेनी है, और उसको कॉल करने के लिए भी हम कुछ सेम सिनेरियो यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, इसका नाम हम देते हैं कवर फोटो, जो हमने डेटाबेस में दिया था। अब एक और चीज है कि जब किसी का कोई कवर फोटो या प्रोफाइल पिक्चर नहीं सेट तो उसको आप मत शो करवाओ। इफ इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये इमेज दिखाना, अदरवाइज हमें नहीं चाहिए। इसी तरह ऊपर भी इफ लगाएंगे, इफ कवर फोटो जो है अच्छा जी, और देखो अगर तो वो कवर फोटो और वहां पे नहीं है तो वो उसने वहां पे खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया, दिखाई ही नहीं तस्वीरें। और जी इसी तरह यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर तो है हमारे पास लेकिन कवर फोटो नहीं है, तो उसने कवर फोटो उड़ा दी है।
ये तो हमारा ये कनेक्ट कैसे, होगा। ये क्या चीज, तो कवर फोटो कैसे लगाएंगे? हाँ लगाएंगे कैसे अब? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो ये अदर यूजर की हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें वो ना भी नजर आए तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई ना कोई ऑप्शन चाहिए कवर फोटो वगैरह अपलोड करने के लिए। तो हम उसके लिए जो है फिलहाल सिनेरियो क्या बनाएंगे, वो ये बनाएंगे कि मीन्स के यहाँ पर चलते हैं हम, ये कर सकते हैं कि एल्स इफ में जाएं, मतलब एल्स पे जाएं और एक बाय डिफॉल्ट एक कवर फोटो जो है वो शो करवा दें, कोई ब्लैक स्क्रीन या वाइट स्क्रीन। तो यहाँ पे हम जिस तरह कुछ बना लें, कैनवा का इस्तेमाल हम इसीलिए जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कस्टम साइज पे जाता हूँ, विड्थ हम रख लेते हैं 600, हाइट हम रख लेते हैं 300, और इसको हम बना लेते हैं। और यहाँ पे हम नो कवर फोटो अवेलेबल, और इसको हम इसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज कर देते हैं, और इसको हम सेंटर पे कर देते हैं, तो बोल्ड कर देते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा हम डिफरेंट कर देते हैं, नहीं ये ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा जी, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा लाइट। अब इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, ये एक मिनट है ना, मैं अपना डाउनलोड मैनेजर बंद कर दूं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने उस फोल्डर पे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है, और यहाँ पे हम चलते हैं पब्लिक स्टोरेज, और इसके अंदर हम फोल्डर बनाते हैं कवर फोटोज, और इसमें हम नाम रखते हैं डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट इमेज एक हमारे पास आ जाएगी, तो यहाँ पे हमने सिंपली लिखना है स्टोरेज के बाद कवर फोटोज, और यहाँ पे हमने दे देना है ऑप्शन डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट डॉट पीएनजी। और अगर जाके हम इधर रिलोड करें तो अब ये उसको डिफॉल्ट कवर फोटो जो है वो दिखा देगा। ये हाइट में थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो मैं इसकी हाइट थोड़ी कम कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे डिफॉल्ट आ गई है हमारे पास। डिफॉल्ट हम प्रोफाइल पिक्चर भी कुछ इसी तरह से शो करवा सकते हैं कि मैं यहाँ पर जाके लिखूं प्रोफाइल पिक्चर का साइज हमने क्या रखा हुआ है, वो रखा है 120 120 का, तो मैं यहाँ पे 120 120 और यहाँ पर हम एक यूजर की फोटो उठा सकते हैं, इसको हम बल्कि जाते हैं एलिमेंट और यहाँ पे लिखते हैं यूजर,
इसको फाइंड। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब सेम ये एज वाला पार्ट हम प्रोफाइल पिक्चर पे भी यूज करेंगे। यहाँ पे आएंगे, एज लिखेंगे और ये सारा पार्ट हम उठाएंगे। यहाँ से स्टोरेज स्टोरेज लिखा रहा है, यहाँ पे हमने बताना है उसको प्रोफाइल फोटोज, और यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट पीएनजी, और यहाँ पर हम जाते हैं और इसको रिलोड करते हैं। अब इसकी प्रोफाइल पिक्चर पहले नहीं लगी हुई थी तो यहाँ पे डिफॉल्ट शो हो जाएगी। जी ठीक है, और एक छोटा सा हम काम करते हैं इसको बेहतर लुक देने के लिए, इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर देते हैं, छोटा, और अब इसको डाउनलोड कर देते हैं। इसी को मैं ओवरराइड कर दूंगा। अब इसको रिलोड करते हैं तो अब ये कुछ बेहतर लुक में आ जाएगा। अच्छा, तो अभी ये हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए हैं। अब जो हम आते हैं अपने मेन काम के ऊपर, जो हमने ये करने के लिए सब कुछ किया था, और वो हमने ये किया था कि यहाँ पे हम अपने आते हैं अदर प्रोफाइल पे, और ये ऐड फ्रेंड के अंदर हमने यहाँ पे कॉल करानी थी आईडी। तो अब हम यहाँ पे क्योंकि ये लूप हमने लगा लिया हुआ है, तो जहां से उनकी प्रोफाइल पिक्चर पकड़ रहे हैं सेम उसी तरीके से हम उसकी आईडी भी पकड़ सकते हैं कुछ इस तरह से। अब ये सेंड रिक्वेस्ट में इसकी आईडी आ रही है हमारे पास, बटन पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो आईडी हमारी पास हो जाएगी। अब इस फंक्शन को आगे हमने जो है कॉल करवाना है एजेक्स की मदद से, तो एजेक्स के लिए हम एक यहाँ पर चलते हैं जेएस, और एजेक्स के फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं प्रोफाइल एजेक्स डॉट js, और यहाँ पे हम सिंपली ये जिस इंसर्ट पोस्ट लाइक का निजाम बनाया था सेम कुछ उसी टाइप का यहाँ पे निजाम रहेगा, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं खत्म। अच्छा जी, अब ये इंसर्ट पोस्ट लाइक के फंक्शन की जगह हमने नाम रख देना उसका अदर प्रोफाइल, और इसमें ये सेंड रिक्वेस्ट का फंक्शन हमने बनाया है। इसके अंदर हमारे पास आईडी आ रही है, आईडी, और आईडी मैं कोई यूजर आईडी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आईडी कह रहा हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। आईडी इनको अभी खत्म कर देते हैं, यहाँ पे अलर्ट लगा देते हैं फिलहाल रिक्वेस्ट सेंड, आगे पता चल जाए एजेक्स काम करता है या नहीं। अब जाहिर बात है ये प्रोफाइल अंडरस्कोर एजेक्स डॉट जेएस बनाई है, तो हमने इसको कॉल भी करवाना है अपनी लेआउट की फाइल में जाके, तो इसको हम कॉल करवाएंगे होम लेआउट, और होम लेआउट के अंदर हमने इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर बनाया था फुटर, तो फुटर में हम यहाँ पे जाके जो है बनाते हैं पोस्ट एजेक्स की जगह हम बना देते हैं प्रोफाइल एजेक्स। अच्छा जी, अब हमने प्रोफाइल एजेंस भी यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया है, और यहाँ पे अब आते हैं, अब इसके लिंक को हम कहते हैं सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो है जी राउट की फाइल में जाना है हमने, और यहाँ जाके अब हमने पोस्ट मेथड की मदद से पोस्ट सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमने सेंड रिक्वेस्ट फंक्शन बना लिया। ओके, अब हम चलते हैं अपनी प्रोफाइल के पेज पर, और यहाँ पे जाके हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाना भी क्या है, इंसर्ट लाइक वाला फंक्शन उठा लेते हैं हम प्रोफाइल कंट्रोलर से, सॉरी पोस्ट कंट्रोलर से,
ये हमारे पास इंसर्ट लाइक, और यहाँ पे जाते हैं प्रोफाइल कंट्रोलर में और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम जो है रखा है सेंड रिक्वेस्ट। इसकी जगह जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, रिक्वेस्ट में हमारे पैरामीटर आ जाएंगे और इसको हम कहते हैं यूजर वन आईडी, जो कि हमारे पास पीछे से आ रही है आईडी, सिर्फ जो आईडी है ये वाली, ये जो हमने पास करवाई है, यहाँ पे पास हो गया ये। उसके बाद यूजर, इसका नाम हम देंगे यूजर टू आईडी। ये वो आईडी है जो लॉगिन हुआ हुआ है यूजर, यानी कि जो रिक्वेस्ट भेज रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अब हमने यूजर वन, यूजर टू, आई थिंक यही हमने जो है यहाँ पे नेम रखे हैं। हम चलते हैं अपने, हाँ। और उसके बाद अगले जो स्टेटस है हमारा, वो बाय डिफॉल्ट जा रहा है यहाँ से, तो हम इसको यहाँ पे नहीं भेजने की उसकी जरूरत नहीं है हमें भेजने की। टेबल का नाम है हमारा फ्रेंड्स, और इंसर्ट हमें करवानी है वैल्यू, और यहाँ पे हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट। इसके अलावा चलो करके देखते हैं और देखते हैं कि एरर क्या आता है फिलहाल, क्योंकि एरर तो कोई ना कोई आएगा ही। अब मैं जिसकी आईडी वन है, यहाँ पे भी डेटाबेस पर खाली है, यूजर वन में उसकी आईडी आएगी जिसको मैंने रिक्वेस्ट भेजनी है, और यूजर टू में मेरी आईडी आएगी। अगर ये आपको सुनने में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं दोनों के वेरिएबल स्वैप कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ यूजर वन और इसको मैं कहता हूँ यूजर टू, ताकि पता चल जाए यूजर वन मैं हूँ जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, यूजर टू वो है जिसको रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। तो इससे जरा बेहतर बंदे को पता चल जाता है। यहाँ पे ये वेरिएबल के नाम हमने चेंज नहीं किए, ये चेंज कर दें, और यूजर वन और ये आ गया यूजर टू। अब हम यहाँ पर जाते हैं और इसको यहाँ पे हम इंस्पेक्ट ओपन कर लें, कंसोल ओपन कर लें, और भेजते हैं रिक्वेस्ट ऐड फ्रेंड, रिक्वेस्ट सेंट। ओके, यहाँ पे अगर फ्रेंड्स में देखें तो यूजर वन जो कि मेरी आईडी थी वन, मैंने रिक्वेस्ट भेजी, जिसको भेजी उसकी आईडी थी टू, उसको रिक्वेस्ट चली गई और बाय डिफॉल्ट स्टेटस आ गया जीरो। ये बात समझ लगी? जी ठीक है। अब इसको हमने जो यूजर टू है उसको वो रिक्वेस्ट हमने कहीं ना कहीं शो भी करवानी है, और उसको वो एक्सेप्ट करेगा तो उसको हमने फ्रेंड्स बनाना है। ये हम काम कल करेंगे और इस काम में काफी मेहनत लगेगी, मीन्स के क्योंकि उसके लिए सबसे पहले हमने नोटिफिकेशन का एक सीन बनाना है जो अभी तक हमने नहीं बनाया है, जो इसको हम क्लिक करें तो एक डिव टाइप हमारे पास ओपन होगी यहाँ पे। खैर वो अभी नहीं है तो इसको हम बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही है। तो इंशाल्लाह ताला कल बात करते हैं। ओके, नोटिफिकेशन का मैंने पीछे भी ना कहीं किया, क्या कह रहे हैं? नोटिफिकेशन का काम मैंने पीछे भी ना किया कहीं। नहीं, नोटिफिकेशन का काम हमने नहीं किया, लेकिन हमने चैट का सिस्टम बनाया था और ये सेम कुछ उसी तरह काम करेगा, जी और इसमें भी हम पुशर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। ये फीस का समय क्या? फीस का मैं आपको कल बताता हूँ, शायद पापा का चक्कर लगेगा गांव का कल या परसों, तो मैं आपको बताता हूँ, फिर पेपर करा देगा। ठीक हो गया, आप बता देना। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।